मनी मैन। उसे छोड़ो यार। ठीक है, सब सही है बेबी। अब तक कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? क्या कह रही हो, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम थी ना यार। You are so cute. बिल्कुल नहीं। हे कम ऑन, कौन है ये? मैंने कहा ना नहीं, कुछ बात करनी है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, बताओगे? सब ठीक ना? मेरी नादान परियों, कहो हे रिकी, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं, ऐसे ही लगी रहो। अभी मीटिंग में हूँ, आप दीदी को बता दीजिए, मैं बाद में चिट्ठी पढ़ लूंगी। I'm sorry, it's Vipin. पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। उसने एक आदमी को गोली मारी है, कह रहे हैं। यहाँ तक कि उसने दरवाजा भी तोड़ा। मुझे जरूरत नहीं है किसी भी जूनियर पार्टनर की। तो मैं मिस्टर खान को प्रेफर करूंगी। अभी वो है क्या वहाँ पर? उन्हें बता दो साउथवुड पार्क में आखिरी बार के लिए शूट करने जाना है। चाहो तो किसी को भेज दो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
जेफरी आज पूर्वी लंदन की सड़कों पर निकले हैं समुदाय के नेताओं को आश्वस्त करने के लिए ताकि हाल ही में गोलीबारी के लिए जिम्मेदार मुजरिमों से गंभीर रूप से निपटा जाए वो भी 2012 की नई तैयारियों के साथ नए होम सेक्रेटरी उस प्रेग्नेंट औरत से भी मिलने गए जिसे पिछले हफ्ते आपके कितने ऑफिसर्स को नेगलेक्ट कर चुका है वो अब तक उनसे बात नहीं कर रहा है तो हमारी क्या गलती है और सुबह 4 बजे किन महात्माओं के साथ उसने जुड़ने की कोशिश की हम उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे कोई सबूत 3 बजे तक नाइट क्लब में कैमरा ऑन रहता है शूटिंग की फुटेज है नहीं फुटेज में तुम्हारे क्लाइंट के हाथ में बंदूक है जानकर खुशी हुई तुम बंदूक के सामने नहीं थे अपनी बहन से मिलने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी क्या तुम मुझे बताओगे वहां क्या हुआ था कैसी है वो ठीक नहीं है क्या हुआ था विप कोई सबूत मिला उसके लिए तुम्हें हमसे बात करनी पड़ेगी कोई खास सबूत नहीं मिला है एक हथियार तक नहीं है उनके पास हम में से किसी को नहीं लगता तुमने बंदूक चलाई विप Hey, तुम्हें आखिर हो क्या गया है आप मुझे इस हालत में मत देखो हमें उस जगह से गन मिल चुकी है मिस्टर खान और उसमें आपके क्लाइंट्स की फिंगरप्रिंट्स हैं दीपा अच्छा हुआ तुम आई मैं बैग लाता हूं उन्हें कह दीजिए मुझे भूख नहीं है मैं वादा नहीं कर सकता तुम तो जानती हो वो कैसी है बहुत देर कर दी I'm so so sorry मैंने आपका जन्मदिन मिस कर दिया दीपा तुम इतनी जल्दी आ गई बेटा स्कूल से अभी वो कैसा है वो ठीक है यही मानना होगा उसने कुछ कहा उस दिन क्या हुआ नहीं दीवा क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया मैं उन्हें नहलाने ले जा रही हूँ उन्हें ये तक याद नहीं है कि आज सुबह पुलिस ने उनके सर पर बंदूक तान दी थी सॉरी तुम्हें तकलीफ देने की वो मेरा भाई है आप ये सब अकेले नहीं कर पाते हमने अपनी पूरी कोशिश की थी मैं जानती हूँ रुक रही हो ना मैं विप के कमरे में सो जाऊंगी बस कुछ ही दिनों की बात है वैसे भी काम छोड़कर आई हूँ गले लगाने आ रही है कि ये लड़की समझ नहीं आ रहा पटाखा क्या लगेगा बकनीरा भाई आजा बुलबुल बाहर देख ले ओए ओए तू तो गाड़ी से भी ज्यादा खूबसूरत है हाँ लाल परी तुम यहाँ क्या सोच कर आई हो बताओगी वो भी ऐसे कपड़े पहनकर हॉलीवुड कम से कम ये फेक तो नहीं है मस्त लग रही है कुत्ते थोड़ा संभल कर चलना हमारा ईमान डगमगा जाएगा दीवा
तो बहुत दिनों के बाद मिल रही हो। मैंने सुना है कि पेरिस में अच्छा काम कर रही। किसने कहा? उस नरक में रहने से ना रहना बेहतर है। तुम्हारे भाई का सुन के बुरा लगा। क्या वो यहीं आया करता था? हाँ, उसके लिए यह दूसरा घर जैसा था। तो इस घटना के बारे में तुम कुछ जानते हो? मुझे ज्यादा पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम सोच रही हो, कोई रिवेंज शूटिंग या कोई ड्रग डील का चक्कर नहीं था। असल में ये पैसों का चक्कर था, लड़की के लिए, समझ रही हो ना तुम? वो ऐसा नहीं कर सकता है। टीवा मेरी बात सुनो तुम, आज के बच्चे सीधा गोली मार देते हैं उनके प्यार की तरफ कोई। लेकिन वे सब मिनी बस में इंतजार कर रहे हैं बॉस। ठीक है दोस्त, तुम साथ में नेट ले रहे हो ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं। मुझे जाना होगा। ये क्लिंट रोल मॉडल था। असली मजा तो इसी में है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करता हूँ। आज साउथवुड पार्क की सड़कें बहुत खामोश हैं, जहाँ स्थानीय संप्रदाय। जज प्लीज शांत हो जाओ, बस मुझे उन सारी लड़कियों की तस्वीर भेज दो, फिर बताती हूँ। बात करने वाले हैं पीटर फिच, जो अल्ट्रावायलेट नाइट क्लब के बाहर उस धमाके के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आज शाम 5 बजे उनकी मृत्यु हो गई है। हम उनके परिवार के लिए खेद जताते हैं। उनकी हत्या के आरोप में एक लड़की को हिरासत में ले लिया गया। खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हादसे के पीछे किसी गैंग का भी हाथ है। बेचारा परिवार। बेचारे तो हम हैं, जहां ऐसा औलाद पैदा हुआ। इसका कोई सबूत नहीं कि ये विप ने किया है। तुम सब लोगों को यही लगता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा इस समय यहां आना ठीक नहीं है। ऊपर वाला करे तुम्हारे भाई को बंदर मौत नसीब हो। तुम यहां आकर मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। जरिन कम ऑन, ये निर्दोष है, इसने कुछ भी नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है, ये मुझसे यहाँ मिलने के लिए आई है। हाँ उसके भाई के लिए ना, ये अपने भाई से नफरत करती है। यहाँ से दूर ले जाओ इसे। मेरी बात का विश्वास कर, यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। कोई बात नहीं है, सब लोग दुखी है ना। विपिन कैसा है? उसे कहना कि टोनी ने उसे याद किया है। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर सर। कैपेचिनो बिना शुगर। थैंक यू वेरी मच। विप टोनी का दोस्त था? हाँ, मस्ती करने साथ में घूमने जाते थे दोनों। टोनी और पीट? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। टोनी हर किसी को बताता था कि वो मैफियोसी के वंश से आया है। सच में? शायद उसके पापा आइसक्रीम बेचा करते थे। जब वो मरे तो वो 3 साल का था। उसकी मॉम उसे इंग्लैंड लेके आ गई। विप गैंगस्टर बन चुका था? नहीं, बल्कि परेशानी में वो डांस किया करता था। करने क्या वाली हो? मैंने अंकल से कहा हियरिंग आने तक मैं यहीं रुकूंगी, फिर पेरिस चली जाऊंगी। ओके, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। मुझे लग रहा है मेरी आंटी मुझसे कॉफी छिपा रही है। हाँ अच्छा सुनो,
मुझसे वादा करो कि तुम अपना ध्यान रखोगी, ओके? से छुपने की कोशिश कर रहे थे। ए डी, तुम कितनी फिट नजर आ रही हो। चलो ना मजे करते हैं। इन सब के लिए काफी सारा पैसा लग गया होगा ना? भाई सब ठीक करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम शायद टेस है। इसके लिए दोस्त ढूंढ रहा हूँ। ए सुनो, मैं बहुत जल्द किसी काम से निकलने वाला हूँ। शहर के बाहर कहीं जाना है मुझे। पर किस लिए? तुम्हें तो विप पर नजर रखनी है ना? क्या तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल प्रमोटर्स को भी सोने का समय मिलता है? अब तुम रात में भी काम करने लगे? हाँ, यकीन मानो वो एकदम पागल है। सब कुछ उसके हाथ की मुट्ठी में है। तो क्या हुआ था? दूसरे भाई गए और गोली लग गई। विप ने गोली मारी? तुम अपने काम के ट्रैक से भटक रहे हो। देखो, भाई को मजे करने थे। मैंने उसे बैकस्टेयर्स के पीछे अपने सोफे पर बैठकर चिल मारने के लिए कहा। बस उसे मजे करना पसंद था। ठीक है, आखिरी बार जब मैंने विप को देखा था तब वो डेक्स के ऊपर था। आगे बोलो। उसी वक्त जब मुझे स्पाइसी चिकन सैंडविच खाने का मन हुआ, बैंग बैंग बैंग। क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं देखा, खिड़की अटक गई थी। क्या तुमने विप को देखा था? कम ऑन, मैंने अभी तो तुमने कहा। वहां पर कुछ भी नहीं देखा। उस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया। हाँ, काश मैं कुछ मदद कर पाता। वो तुम्हारा कजन है रिकी। सुना तुमने? इसे कहते हैं बिजनेसमैन। यही तो बिजनेस है। सॉरी डीवा, जल्दी मुलाकात होगी। बिल्कुल भी सच नहीं है। वो एक झाड़ी में मिला था और वैसे भी मेरा क्लाइंट अभी तक गुनहगार साबित नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सर वो गुनहगार है तो सही। नो कमेंट। क्या ये किसी तरीके के गैंग का बदला था? सर आप ऐसा कुछ बताइए सर। क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं आखिर सच्चाई क्या? मुझे लगता है शायद आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। अभी तक जवाब आपको देना चाहिए ना। दीवा, जूट क्लार्क, साउथ वुड एक को। ये सही वक्त नहीं है। एक मिनट बात कर ले। हमें अभी घर जाना है। आपको पता है पीट फिच को मरने से एक दिन पहले अरेस्ट किया गया था? उस प्रेग्नेंट औरत को भी गैंग शूट आउट के बीच क्रॉस फायर में गोली लगी थी। कम से कम पुलिस तो यही कहानी बयान कर रही है, पर उसे बिना चार्ज के छोड़ दिया गया। शायद उसकी गलती नहीं थी। नहीं, उसके हाथ का टैटू एक सबूत है। तो मुझे लगा सुन के आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आपका भाई बच सकता है। आपको लगता है उसे छुड़ा सकते हैं? हाँ, जेल वापसी के लिए अच्छा तरीका हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, ये तो इतना आसान है ना। पीट को मारने से शायद ही उन्हें कोई फायदा हो। साउथवुड पार्क के निवासियों ने कल रात को जुलूस निकाली है नाइट क्लब के बाहर, जहाँ पीटर फिच की हत्या हुई थी। हमने इस बारे में उसकी माँ एलिजाबेथ से बात की है। वो बस कॉलेज में भर्ती होने ही वाला था। वो बहुत अच्छा बच्चा था। वो हमेशा से अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता था। जिसने भी ये किया है उसके लिए फांसी काफी नहीं है। प्रदर्शनकारी फिर से बाहर निकल कर आए। मैं जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है टोनी। मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। एक बार कहा समझ में नहीं आता। बाहर में जाओ पागल कहीं का। तंग आ गई हूं इन सबसे। एलिजाबेथ बहुत गुस्से में है।
खाना रखा है, खा लेना। मुझे नहीं लगता तुम्हें भूख लगी है। मैंने कुछ भी नहीं देखा था, भाई को मजे करने थे। मैंने उसे बैकस्टेयर से पीछे अपने सोफे में बैठकर मजे करने के लिए कहा, उसे मजे करना पसंद था। तुम जैसी खूबसूरत लड़की यहाँ छुपने के लिए तो नहीं आई होगी? मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई हूँ। मैं क्या मदद करूँ? एली में हुई शूटिंग को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। तुम तो अच्छी लगती हो। अंदर आना चाहोगी? जी, थैंक यू। मैंने कहा ना, कुछ फायदा नहीं, सारे केबल काट दिए हैं। कब? सवा घंटे पहले। वैसे शूटिंग कितने बजे हुई थी? उसके बाद में क्या है वो सब? दरवाजे, वैंस, यार्ड, वो एक एली का पार्ट है। वो क्या था? क्या? क्या ये? वहां आपने देखा वो ट्रेन? देखिए वहां पर, ओ भाई साहब, क्या तुमने देखा? हिम्मत कैसे हुई उसकी यहां आने की? हाँ ठीक है, कहीं तो जाना ही था उसे। यह क्या आप जूम कर सकते हैं? हमने कर दिखाया है ना। मुझे भी एक मिल सकता है क्या? थैंक यू। नहीं, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन वहां जरूर कोई था। तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, ये कर सकता हूँ। क्या तुम इसे स्टोन तक पहुँचा सकती हो? क्या अभी? हाँ ठीक है, मैं इस काम में लग जाता हूँ। कुछ सुराग मिला है जब उसे गोली लगी थी। तुम चलो। एली में मिला है? स्टोरेज यार्ड में मिला है। कोई सबूत हो सकता है। किलर भी तो हो सकता है। तो मैं इसे रख लेती हूँ।
मत भूलो तुम्हारा भाई तब भी बंदूक लेकर भाग रहा था। जासूसी के चक्कर में तुम फंस भी सकती हो। मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। तुम मुझसे नफरत करोगी। ट्राई करके देखो। वीआईपी की गन दूसरी शूटिंग में इस्तेमाल हुई थी। वो विप की गन नहीं थी। एक प्रेग्नेंट औरत को हाई स्ट्रीट पे गोली लगी थी। सब कह रहे हैं शूटर एशियन था। जिसके हाथ में 28 की का टैटू था। क्या मैं वार्डन से बात करूं? ये कोई स्कूल नहीं है। गुड न्यूज सुनना है या बैड? गुड न्यूज है, कैमरे में एक बंदा दिख रहा है। कौन? लंबी कोट, गॉगल्स। मैंने उसे नहीं देखा था। तो तुमने किसे देखा? मुझसे बात करो। बैड न्यूज क्या है? तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हैं। हाई स्ट्रीट में शूटिंग तुमने ही की थी। ये झूठ है। तुम्हारे गन से एक प्रेग्नेंट औरत को गोली लगी। सब फालतू की बातें हैं। बच्चा सही सलामत है ना? सही सलामत? दिखाओ मुझे। एक विटनेस ने तुम्हें देख लिया। उस शूटिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 28 के इलाके को प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम्हारी गन से उस प्रेग्नेंट औरत को गोली लगी, उसके बच्चे की जान जा सकती थी। वो मैं नहीं था, मैं बस टैटू बना रहा था। चाहो तो चेक कर लो। अच्छा तो क्या पीठ को तुमने ही मारा? नहीं। ठीक है, रहने दोगे? पता है सब ठीक है विप, मुझे जल्दी पेरिस जाना होगा। 3 हफ्ते में शो है। अमलेश को कह दूंगी तुमसे मिलता रहे। ओके? मैं रिकी को ढूंढने गया था। मुझे उसे पैसे देने थे। मैंने देखा टोनी पीट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में गन थी। ये लो और भागो यहां से। भागो! मैंने भागना शुरू कर दिया। वो गन मैंने झाड़ियों में फेंक दी। तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? तुम टोनी से कोई झगड़ा मत करना। तुम्हें उसे ये सब बताना होगा। अब तुम बताओ स्टूपिड कौन है? उसने उसे शूट क्यों किया? वो दोनों गुस्से में थे। अफवाह ये है कि पीट ने उसे शूटिंग के लिए भड़काया था। अपने हाथ दिखाओ। एक गवाह है जिसने तुम्हें देखा है। कह रहे तुमने उस औरत को गोली मारी, बच्चा मरते मरते बच गया। पता है इस मर्डर के वक्त तुम वहीं पर थे और इसके लिए तुम अपने दोस्त की तरफ देख रहे थे। शायद उसे फंसाने का मन कर गया हो और इसीलिए उसने टोनी को छोड़ दिया। अभी हम बात नहीं करते। ये तो मैंने यूं ही अंदाजा लगाया है। वेल, एली वाले इंसान को ढूंढ लिया तो नहीं? मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक काम करो, जाओ और किसी से मिल लो। उसे बात करने के लिए मना सकते हो? कह नहीं सकता। कहना मैं ठीक हूं, देखना वो ठीक है या नहीं। आ गई कमीनी कहीं की। I'm sorry about Pete। वो तो दिख रहा है। अगले साल इस वक्त मैं वेस्ट में अपनी खुद की एक सैलून खोलना चाहती हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारे काम में मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ सांस भी मुश्किल से लेती हूँ। सबको यही लगता है, उन्हें सब पता है। विप ने पीट को मारा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। बिल्कुल सही।
देखो उसने ऐसा नहीं किया है। विप को फंसाया गया है। कैसे? गोली लगने के कुछ घंटे पहले विप पुलिस स्टेशन गया था, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा उसकी गर्लफ्रेंड को? उसे क्यों जाने दिया उस दिन? उसने मुझे फंसाया है। तुम्हें? हाय सली, तुम ठीक हो? हाय पाइजे। लास्ट टाइम का हेयर कट बहुत अच्छा था। हाँ तुम सही कह रही हो। आराम से चलो यार, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ टेस? थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। आहा, गुड गर्ल, मैं भी देखता हूँ कैसे घास डालते हो कमीनो। पैर संभालो अपना। गुड गर्ल, चलो। थैंक यू। हाँ तुम अपने सोर्स को दोबारा चेक कर लो। विप के हाथ में परमानेंट 28K टैटू बन चुका था जब उस औरत को गोली मारी गई थी। हाय। हे बेबी, क्या खूब लग रही हो यार। कैसे हो तुम? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मैं सीरियस हूँ। टॉनी को पता है तुम यहाँ आई हो? वो जानकर क्या करेगा, वो पागल है। मैंने भी नोटिस किया है। हर कोई पागल हो गया है। सली ने भी विप की बहन के साथ दोस्ती कर ली है। सच में? वाह, मैं भी उनका प्यार देखना चाहूंगा। वो तुम्हारी कजिन है रिकी। मुझे चिंता है शायद उसने हिंट दे दिया कि टोनी ने पीट को मारा। उसे विप ने नहीं मारा एंड्रिया। मैंने उसे अपनी आंखों से गन लेकर भागते हुए देखा था। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। मेरी नादान परियों कहो हे रिकी। ये सब क्या है? है ना मजेदार, बस देखती रहो। तुम्हें इसे जल्द ही डिलीट कर देना चाहिए। नहीं, मैं इसे अपने इंश्योरेंस के तौर पे रखूंगा। इसे देखते ही टॉनी की नींदें हराम हो जाएंगी। कमांड डार्लिंग, इसमें सिर्फ 7 मिनट का फुटेज है। तुम लकी हो कि इससे कोई पुलिस फाइल करप्ट नहीं हुई। लकी? मैंने खुद देखा इसे चलते हुए। ये करप्ट हो चुका है। इसमें कोई लड़का दिख रहा था। खैर, ये सारी तस्वीरें किसी काम की नहीं है। तो हाई स्ट्रीट शूटिंग में भी सेम गन यूज की गई थी। तुम्हारे भाई के चार्जशीट में हम ये जोड़ने वाले हैं। गन कहीं से भी आ सकती है, उसके लिए तुम्हें और सबूत चाहिए होगा। एक गवाह कहता है प्रेग्नेंट औरत को मारने वाला शूटर एशियन था। कम ऑन, यहाँ बहुत सारे एशियन लोग भी रहते हैं। 28K टैटू वाला।
सॉरी डार्लिंग। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा है? सामना करो, तुमने अभी एक बॉडी ब्लो लिया है ना। तुम क्यों, अब तुम्हारी काम करने की इच्छा नहीं रही क्या? कभी कभार लड़ना आपको एक महामूर्ख साबित करता है। वो मेरा भाई है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे है तो अच्छी बात है, अभी चलते हैं। वे 4 घंटे से टैटू पार्लर में बैठा हुआ था जब वो शूटिंग हो रही थी, और ये फैक्ट है। हाँ ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट तैयार करता हूँ, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। आगे से ज्यादा इज्जत मिलेगी ऐसी आशा करता हूँ। क्यों? हाँ बिल्कुल। वाह, जो जरूरी सामान प्लस कुछ एक्स्ट्रा। ओहो, निकालो निकालो और दिखाओ क्या लाए हो। सारे के सारे 50 के भी होते तो बहुत हल्का लगता। मैंने अपना साथी भी खोया है। हाँ। और मुझे उसके लिए खेद है, पर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आजकल खतरा बहुत बढ़ गया है और मैं अपने बहुत पैसे लगा चुका हूँ। फालतू बातें मत करो टॉनी। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं सोर्स से ले लूंगा, मुझे किसी दलाल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लो। तुम जल्दी लीग से बाहर होने वाले हो, तुम जानते हो ना? याद रखना रिकी, पीट तुम्हें यहां लेकर आया था। हाँ, सलाह कमीना पीट, दलाल कहीं का, मेहनत हम करते हैं और बैठे बैठे वो पैसे गिनता है, उस पर कड़ी नजर रखना। यह आवाज कैसी थी? वे, कहाँ हो तुम? कुछ तो गड़बड़ है, यहां कोई आया है। चारों तरफ ढूंढो। कोई दिखा क्या? नो बॉस। ठीक से ढूंढो। Thank you.
मेरा पीछा करना बंद करो। मैंने उसे नहीं मारा। फ्रेंड्स, यहां कोई नहीं है, काम पे लग जाओ। दरअसल वो नाइट क्लब शूटिंग के कारण मेरी प्लानिंग कमेटी के सदस्यों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो सब अपने साथ ही लड़ रहे था कि शहर के उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें देखा जा सके। इसका मतलब है कि इस डेवलपमेंट में बोट आपका अच्छा साथ दे रही है। शुक्रवार तक आपके ऑफशोर अकाउंट में आ जाएगा। आपके सारे दोस्त बहुत खुश रहते होंगे आपसे। नाइट क्लब और यूथ सेंटर के सारे दोस्त बहुत खुश रहते हैं। कोई मर्डर केस हो तो लाइसेंस रिन्यूअल्स के साथ हस्तक्षेप करने की बुरी आदत है। ये लड़की बहुत काम की है। बहुत क्यूट है। कभी शिकायत नहीं करती। उम्मीद करता हूँ पिछली वाली से ज्यादा पेशेंस है इसमें। मुझे नहीं पता सैली। तुम्हारी बहन आकर मुझसे काफी सवाल पूछ रही थी, तुमने उन्हें क्या बताया है? कुछ नहीं, बस देखना था तुम ठीक हो या नहीं। मेरा पैसा सेफ है ना? मुझे नहीं पता सैली। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने मेरा कमरा सर्च किया है, बहुत कुछ ले गए हैं। क्या? फ्रांसिस्का ने कॉल किया था, मुझे दोबारा काम पे बुला रही है। मुझे क्या करना चाहिए? अगर बहुत मजबूरी हो तो ठीक है, कोई वीडियो नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखना सैली। मैं हूं, मुझे पहचाना क्या? हम दोनों अच्छे से काम कर सकते थे। वो फुटेज, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे नोटिस भेजा गया। आई एम सो सॉरी, वो बहुत जरूरी है, दोबारा देख सकते हैं? क्यों, पहली बार जब मैंने तुम्हें वो फुटेज दिखाई तब तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जानता हूँ, पुलिस आई थी, हार्ड ड्राइव लेकर चली गई, और तुमने बैकअप चोरी किया। पुलिस? हाँ पुलिस, जरूर कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी उसमें। थैंक्स लड़की। वाह अच्छे लग रहे हो यार। फिर से चॉकलेट वेफर्स नहीं, समझे? हमारे इन पैसों से सिर्फ और सिर्फ कोबे बीफ ही खरीदे जा सकते हैं। इससे इस कुत्ते का इलाज करवा देना। लेकिन ये थोड़ा कम लग रहा है। हाँ इस बार जरा सी दिक्कत आ गई, अगली बार सब सही रहेगा। अगली बार के लिए मौका नहीं मिलेगा। और 3K शुक्रवार को आएगी जोन डी। यस सर। पीट की कोई खबर? हाँ वो अभी भी भरा हुआ है। तीर सही निशाने पर लगाया है। ये सब जानकर तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, पर नन्ना टॉनी थोड़ा फुर्तीला हो गया है। पर तुम अपने काम में माहिर हो, राइट? बिल्कुल सही, उस कीड़े को तो मरना ही था। यही हाल तुम्हारा भी होगा अगर होशियारी की तो। चलो बेबी, चलो 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 चलो। यकीन नहीं होता तुम वहां गई थी। मुझे कहीं से अटेंशन तो पाना ही था, और मुफ्त का माल। सही कहा ना?
उसने मुझे फोन पर कुछ दिखाया था। उसके कलेक्शन में से कुछ दिखाया होगा, बहुत लकी हो। ऐसा कुछ नहीं है, नाइट क्लब का क्लिप था। वो टोनी था जिसने पीट को मारा है, बहुत प्लानिंग के साथ उसे गोली मारी होगी। नहीं एंड्रिया, उसने मुझे फंसाया है, ये सब इसीलिए हो रहा है। कहना क्या चाहती हो? अब मुझे खुद के लिए सोचना पड़ेगा। सैली, मुझे लगा तुमने ये काम बंद कर दिया था। हाँ बंद कर दिया था। तो फिर मुझे बताओ, मुझे खुद का सेटअप करने में कितना खर्चा होगा? तो यहाँ पर काम शुरू करने में गलत क्या है? मैं दूसरों के दुकान में कब तक उनके तलवे चाटकर काम करूंगी? मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आज रात कुछ खास है क्या? मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूं ना? मुझे एलियंस के लिए एक लड़की चाहिए। कोई चांस नहीं, उनका एहसान है मुझ पर। तुमने कहा था आपसे नहीं करोगे। वो अच्छे से पेश आएंगे। उसने पिछली वाली को हॉस्पिटल भेज दिया था। कोई भी मेरी लड़कियों को ऐसे ट्रीट नहीं करता है। सैली को भेज दो ना। शीज बुक तो अनबुक कर दो। ये इतना आसान नहीं है। आ, आ, उसे सैली ही चाहिए। हाँ। पैट्रिक चैनिंग, नए होम सेक्रेटरी और साउथवुड के लोकल एमपी के लिए उन्हें आज ये कहना पड़ा। ये सरकार तब तक खड़े होने के लिए तैयार नहीं है जब तक नौजवानों का जीवन बहुत दुखद और संवेदनहीन रूप से छोटा ना हो जाए। क्लिंट ने कॉल किया था। उसने अभी तक हमें कॉल नहीं किया। वेपन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव था। उसे सड़क से दूर रखने से? वो जगह बहुत खतरनाक है। वो बस एक यूथ क्लब है। उसने एक टैटू बनवाया था। लाखों लोग बनवाते हैं, शरीफ लोग नहीं बनवाते। वेल, उसी टैटू से वो जेल से बाहर आएगा। उसने जो कुछ भी किया, मैं उससे इम्प्रेस नहीं हूँ। उसे रिकी के साथ वक्त बिताना चाहिए। He's a good boy. आप चुपचाप टीवी देखिए। वो बहुत मुश्किल वक्त था। अगर तुम हमें छोड़कर नहीं जाती। क्या कभी आपने सोचा मैं क्यों गई थी?
क्या तुम चूतियापा करना बंद करोगी प्लीज? ओह माय गॉड, हम प्राचीन पेरिस के ग्लैमर से एक लंबा रास्ता तय करने वाले हैं। रिसर्च करके आए हो? जिसे वे बच सकता था उस सबूत को पुलिस ने मिटा दिया, वो उसे फंसा रहे हैं। स्टोन, सबूत क्या है? एक शख्स का वीडियो जो उस दिन आली में था। साउथवुड में तुम्हारा स्वागत है। 28 के यहाँ एक ड्रग ट्रेड कंट्रोल करता है, मैं भी उस पैटर्न का हिस्सा हूँ। हाई क्वालिटी में लोकल असिस्ट में बाढ़ आ जाती है, फिर रेगुलर बेसिस पे लो प्राइस कोक बेचा जाता है, फिर देखा जाता है कि पूरे लंदन से कुछ पंटर लोग आ जाते हैं, पर पुलिस खुला छोड़ देती है। तो इस बार क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? किसी बेचारे को गोली लगी है तो रूल चेंज हो गया है। क्या कर रहे हो? यहाँ के नेता ओलंपिक से पहले इस एरिया को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा बेताब थे। पैसों की गड्डी स्टोन के हाथों पहुंचने के बाद उन्हें एक बॉडी चाहिए थी, फिर पीट फिच को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसे छोड़ दिया। हाँ, पीट को ऐसे छोड़ने का मतलब यही होता है कि स्टोन को उससे कुछ हासिल करना था। स्थानीय परिषद द्वारा विकास प्रस्तावों की एक श्रृंखला को मंजूरी दी गई है और ये सब ईस्ट लंदन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा सेलेक्ट किया गया था, जिसमें किसी स्थानीय समुदाय को कोई फायदा दिखाई नहीं देता। मेरे हिसाब से कोई प्लानिंग कमेटी को रिश्वत दे रहा है। मेरे हिसाब से तुम सोच रहे हो वो स्टोन है। हाँ, पर ये सिर्फ एक विचार है। वैसे स्टोन के कुछ पावरफुल दोस्त हैं। पर इससे मेरे भाई को निकालने में क्या मदद मिली? अली वाले बंदे को वीआईपी ने देखा? नहीं, सिर्फ टोनी को। कौन? टोनी मार्केटो? पीट को कहीं उसी के गैंग ने तो नहीं मार दिया? लेकिन विप को फंसाने के लिए स्टोन इतना उतावला क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें मैनिक्योर पसंद है? क्या कहा? पीट की गर्लफ्रेंड को शायद कुछ पता है, वो हमें कुछ बता सकती है, लेकिन तुम्हें मैनिक्योर करवाना होगा। तुम्हें शायद पता क्या? हिट एंड रन से ये हुआ। पार्टनरशिप में काम करती है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, ताकि सिक्योर कर सके ईस्ट लंदन की भविष्य की समृद्धि को। ब्राउन फील्ड साइट्स जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, जल्द ही इस इलाके में महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ रिटेल और हाउसिंग प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही अधिक रोजगार सृजित करने वाली है। अरबों पाउंड की धनराशि भी ईएलडीसी द्वारा अच्छे से सुरक्षित की गई है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जैसे कि ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स और यहां तक कि एयरपोर्ट फैसिलिटीज भी। Thank you.
क्लिंट, आखिर तुम हो कहां? मुझे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ सुराग मिला है। कॉल मी। कहां है वो? मेरा भाई कहां है? उनके हिसाब से वो पीट ही था। जब तक तुम्हें ट्रांसफर न मिल जाए, कोशिश करती हूं तुम यहीं पर रहो। विप, आई एम सॉरी, सैली मर चुकी है। पुलिस कह रही है हिट एंड रन का केस है। ये नहीं हो सकता। मुझे वो पैसा मिल गया है, मैट्रेस के नीचे था। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या फायदा हुआ? मैंने उस औरत को नहीं मारा। मुझे पता है तुमने नहीं मारा, लेकिन ये पैसे का क्या चक्कर है? जमा कर रखा था, पर किस लिए? उसे प्लीज आराम करने दीजिए। किसके लिए? विप 28 के? के लिए? सैली के लिए। अब बहुत हो गया। वो ठीक हो जाएगा ना? हाँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बहुत खून बह गया है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कौन था? कोई भी नहीं। ये कर दो ना मेरे लिए बेबी। क्या करती हो यार तुम भी? क्या मुसीबत है यार। कौन है? इसे पीछे वाले कमरे में लेके जाओ जल्दी। मैं टॉयलेट में था यार। हाँ तुम्हें बियर पीनी है ना? विप पर हमला हुआ, वो अभी रिमांड हॉस्पिटल में। तुमने मुझे खिड़की के बारे में झूठ क्यों कहा? ओ, इसका मतलब किसी ने उस पर तेल लगाया होगा। प्लीज बकवास मत करो। तुमने क्या देखा? क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह डर गए? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, झूठ मत बोलो। सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। कम ऑन रिकी, तुम आखिर टोनी को वो सब ड्रग्स क्यों दे रहे थे, बताओगे? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सोच समझ कर बात करो। मिले हुए है ना? नहीं। विप को फंसाने का आइडिया तुम्हारा था या फिर ये कोइंसिडेंस था? यार तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। रिकी तुम्हें इन्हें सब बता देना चाहिए। इसकी तो एक्सीडेंट, हिट एंड रन। क्या आपने खुद देखा? मोंडेओ गाड़ी थी शायद, पता नहीं कहां से आ गया। क्या आपने ड्राइवर को देखा? अच्छे से नहीं देखा, उसने काले रंग का कोट पहना था, साथ में गॉगल्स और कैप भी। थैंक्स। पता नहीं तुम मदद कर पाओगी या नहीं। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, क्या उसने यहाँ रूम लिया था? मैं अपने गेस्ट का नाम नहीं बता सकती। अगर मैं तुम्हें कोई नाम दूं, क्या तुम बताओगी वो यहाँ गेस्ट थी या नहीं? सैली वीवर। थैंक यू। आज हम ऑफिस आए हैं। क्या तुम मेरी सेक्रेटरी बनना चाहोगे? क्या तुमसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा?
तुम चिंता मत करो, हम उस ड्राइवर को ढूंढ लेंगे। अब जल्दी से बिजनेस करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा था कोई गड़बड़ी मत करना। और मैंने कहा था कोई एहसान नहीं चाहिए। और ये एहसान कहां से आया चूतिए? जहां से आपने शुरू किया था। अंदाजा है किससे पंगा ले रहे हो? ओ, ऐसा क्या? मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी? जाने दो। और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुमने अपने दोस्तों को खो दिया है। क्या ये सच नहीं है टोनी? हाँ, हरामी कहीं का। चलो यहां से। तू बहुत जल्द मरेगा कुत्ते। होशियार रहना बेबी। भाड़ में जाए वो। मिसेस वीवर, मैं विपिन की बहन हूं। वो पीटर फीट से ज्यादा तुम्हारे भाई के करीब थी। उनका रिश्ता कैसा था, सैली और पीट? कुछ खास नहीं, हमेशा झगड़े होते रहते थे। वो मेरी बेटी के लिए सही लड़का नहीं था। क्या सैली का कोई दुश्मन था? मेरी बेटी सबसे मिलती जुलती रहती थी। मिसेस वीवर, मुझे नहीं लगता कि सैली की मौत कोई एक्सीडेंट थी। सैली उस दिन सबसे अलग खड़ी थी। पुलिस ने उसका कमरा सर्च किया, कुछ नहीं मिला। वो लोग सोचते हैं पीट को उसी ने मारा। नहीं, ये उससे पहले की बात है। पहले कब? उस शाम को जब पीट को गोली लगी थी, तब वो मुझ पर गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैंने सबको अंदर आने दिया बिना वारंट के। हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वेल वेल, देखो हमें क्या मिला है। पिंक, पिंक तुम पे बहुत सूट करता है। तुम्हारी मां को पता है तुम रात को क्या काम करती हो? उन्होंने बताया वो क्या ढूंढ रहे थे? ड्रग्स। तो क्या कुछ मिला? नहीं, वो उसकी लैपटॉप लेकर चले गए। और उसमें ऐसा क्या था? वो बहुत अच्छी दिख रही थी, बस शांति से लेटी हुई थी।
एंटी एजिंग क्रीम लेना चाहोगी? बस कॉफी पीना चाहूंगी। आओ मेरे साथ। उसका रेप किया गया था मरने से पहले। मेरे लिए रेप की पैरवी करना मुश्किल है। होटल के बाहर ज्यादातर। पीट उसके काम के बारे में जानता था? अच्छी बात है। उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। क्या तुम इसे पहचानती हो? टोनी की मॉम है। उसने उन्हें कुर्सी पर बिठा रखा है और हम जानते थे उसने क्या किया। इस चुड़ैल ने मुझे भी एक बार काम पर बुलाया था और वहीं पर विप फंस गया। I'm sorry. सैली ने तुम्हें बताया पुलिस ने उसका कमरा क्यों चेक किया? जितना मुझे पता है वो किसी तरीके का कुछ फ्रांसिस्का के लिए होटल में हाई क्लास ट्रिक्स पर काम कर रही थी। मैंने उन्हें मिलवाया था जब वो पैसे के लिए पागल हो गई थी। ओवन में चिकन वेट कर रहा है। यूथ वर्कर की सैलरी के हिसाब से बुरा नहीं है। हाँ काश, लेकिन मैं किसी के लिए इस घर में रुका हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ। तो तुम पहले ड्रिंक लेना चाहोगी? यस प्लीज। थैंक्स। तुम्हारा पुलिस सोर्स कौन है? डीसीआई स्टोन नाम है उसका। उसी ने विप को फंसाया है। ये एक सीरियस एलिगेशन है दीवा। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? मैं क्या जानता हूँ, वो बस फैक्ट्स मानते हैं। बहुत बढ़िया करियर था उनका, मिसेज, दो बच्चे थे, बस इतना ही जानता हूँ। उसका टोनी के मॉम के साथ अफेयर है। उसके गैंगस्टर बेटे के लिए बहुत अच्छा है और मेरे भाई के लिए बहुत बुरा। तुम इस बारे में श्योर हो ना? मैंने उन दोनों को एक होटल के कमरे में जाते हुए देखा। प्रूफ करने के लिए तस्वीर भी है। अगर तुम्हारी बात सच है तो विप की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्रिंट। कम ऑन, कम ऑन, सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है। ओह, चिकन चिर गया। तो भूल ही गया था। God. Oh. It's okay. तुम नहीं मरने वाली हो, सब कुछ कंट्रोल्ड है। चिकन तो बच गया है लेकिन चावल दाल गल चुकी है। तुम ठीक तो हो ना? उसका रेप होने के बाद सैली का होटल के बाहर कोई वेट कर रहा था। इसका पीट की मौत से कुछ कनेक्शन है। hey, थोड़ा आराम कर लो। ये वही इंसान है जो उस दिन एली में था, जिसने ब्लैक मोंडो में सैली को मारा। ब्लैक मोंडो? ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द मिल जाएगा। हमारे डिनर का क्या होगा? फिलहाल ये जरूरी है। बेट्स लगाने की बारी है।
जेफ, जेम्स। हाय। अरे कौन? नाइस टू मीट यू। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? इस तरफ आइए सर, एंजॉय। जरूर। यार खतरनाक है बहुत, इसे कहते हैं असली गन। 6 Sawyer 226 स्पेशल फोर्स वालों का फेवरेट। कम ऑन बॉयज, और निशाने पर मारो। है क्या? क्लॉक 18। इसे भी देखते हैं, देखो कैसे चितड़ी उड़ा देता हूं। ये लूंगा मैं, चॉइस अच्छी है। तुम बहुत थक चुकी हो। मैं सो नहीं पाई, मैंने टेप में सैली का रेप होते हुए देखा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो एस्कॉर्ट थी? बाकी सबको तो पता था। उसे ये काम करने के लिए मना किया। क्या मना किया था? वेप उसकी हत्या हो गई है। ब्लैकमेल? क्या उसी का पैसा तुम्हारे बेड में था? तो उसने किसी का पॉर्न वीडियो बनाया, उस शख्स को पता चला और उसे वापस चाहिए था। पीट ने उसे ये काम करने के लिए मनाया था। मैंने बैग में कैमरा सेट किया था। और फिर? मुझे वो मोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा फायदा उठाता था।
लेकिन जब वो ये काम कर रही है तो उसके बदले उससे पैसे क्यों ना ले। हमने 10 grand कमाने वाले चेयरमैन को फंसाया। 10 grand? अब वो इस दुनिया में नहीं रही वेब। क्या टोनी को ये पता है? टोनी को भी हिस्सा चाहिए था, इसलिए उसने पीट को मारा। सब कुछ एक रात के अंदर बदल गया था। सैली को एक होटल से पिकअप किया गया था, उसे किसी बड़े बंगलों में ले गए थे, सब कुछ जैसे कोई बिजनेस का काम हो। उसे किसी अमीर बूढ़े से मिलवाया गया था, उसे उसके बेडरूम तक लेकर गए। सब कुछ टेप में रिकॉर्ड हो गया। हमें पहले पता नहीं था वो शख्स कौन था। जब पेटे ने उसे टीवी में आते हुए देखा, वो कोई पॉलिटिशियन था। उसका नाम क्या था? चैनिंग या ऐसा ही कुछ। पैट्रिक चैनिंग। तुम्हें पता भी है वो कौन है? जैसा कि मैंने कहा, कोई बड़ी मछली। उसे अभी अभी होम सेक्रेटरी बनाया गया है। वो क्या है? तो पुलिस आकर वो वीडियो लेकर चली गई। उसकी कोई कॉपी है तुम्हारे पास? हमारे छोटे से ब्लैकमेल गैंग में से एक तीसरा सदस्य सामने आया है और वो चैनिंग की फुटेज छुपाने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी कार की खिड़की खोलेंगे मैडम? तो तुम्हें क्या लगता है? उसे पता है दोस्त को ऑर्डर देने का वक्त आ चुका है। क्या तुम उनमें से हो जो कार एक्सीडेंट्स में प्रोफेशनल तरीके से लोगों की मदद करती है? ये कोई मजाक नहीं है। कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स चोरी नहीं हुई है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे पास इससे भी ज्यादा जरूरी? ये तुम्हारे लिए दोगलेपन जैसा नहीं लगता? तो क्या कोई कंप्लेंट डालने वाले? मेरा बस चले तो जरूर। तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ दूंगा। ओह, अंदर आओ डार्लिंग। तुम जानती थी ना? मैं नहीं जानती थी। कौन जानता था? मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हें ये दुकान चलाने दे रहा हूँ और तुम मुझसे ही गद्दारी कर रही हो। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। तुम उन्हें गंदा खेल खेलने दे रही हो। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। तुम्हें पता भी है ये छोटी छोटी गलतियां मेरा कितना नुकसान कर सकती है? कहना क्या चाहते हो? पुलिस आई थी, वो सब कुछ लेकर गई। हमने तुम्हें कॉल करने की कोशिश भी की। Thank you.
जाने दो बेबी। क्या हुआ? देखता हूँ। क्या, कौन है? ये तेरा लास्ट चांस है। तो तुम बच जाओगे क्या? मुझे ऑटोमेटिक प्रमोशन मिल गया है। ओह, ये पिल्ला कुछ बता रहा है। पैसे जो है वही है। ज्यादा चालाकी नहीं। पीट को भी ऐसे ही मारा था ना? सच कहो तो नहीं। तकिए में है, लाल वाले तकिए में। जाओ देखो। चलो यहां से। जाओ उसे। तुम ठीक तो हो ना? आ रहा हूं। इतनी ज्यादा उतावली क्यों हो तुम? वो बाद में देख लेंगे। तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है? उस तरफ है। पासवर्ड विपिन जानी। नहीं, शायद कोई ऐसा बिट भी है। ओके, 28K। खुल गया। बस एक फाइल। ओके, इसे पूरा होने में तो सदियां लग जाएंगी। तुम्हें याद है ना, हमने एक काम अधूरा छोड़ दिया था। क्लिंट, स्टॉप। इस फाइल में क्या, पहले वो देखने दो। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सबूत? ऐसा कोई जिसकी मदद से विप को छुड़ा सकूं? तब तक मुझे शैंपेन रेडी कर लेना चाहिए। मैंने सही कहा ना, सुन रही हो तुम? तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती हो? काफी सेफ भी रहे। तुम ठीक तो हो ना? लगता है सस्पेंस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। बस हो गया, थोड़ी देर और। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम ठीक तो हो ना?
बस एक मिनट। डीवा, बस एक मिनट में आई। दीवा, तुम ठीक तो हो ना? दीवा, दीवा, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? दीवा, दीवा सुनो मेरी बात। दीवा क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ तो सही। दीवा, तुम जो सोच रही हो। सारे फाइल्स इरेज हो चुके हैं सर। पूरी तरह इरेज कर दो ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। किसी को भेजने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, इसकी तो क्या खबर है? Hey, सब ठीक तो है? चलो अंदर चल के बात करते हैं। आओ। क्या यही सबूत है? वेलकम होम वे। हाँ, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। पता है, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूं। जरूर टोनी होगा, उसको भी भेजा था मैंने। मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? मुझ पर भरोसा रखो। हाँ, अंदर गया है और उसके हाथ में एक गन भी है। हमारे दोस्त भी पहुंच गए। हो क्या रहा है? सब कुछ जैसे अचानक बदल गया दोस्त। तुम सही थे, तुमने पीट को नहीं मारा। और बस विप पर ब्लेम लगाकर खुश थे तुम। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने नहीं मारा, लेकिन कैमरे में तुम थे जो गन हिला रहे थे। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मुझे मैसेज आया था पीट को बाहर लेकर आने का।
क्या चल रहा है ये? तुम यहां क्या कर रहे हो? हे रुको, गद्दार कहीं का। जल्दी करो टोनी। कौन गद्दार है? ये जो कह रहा है वो करो। देखो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मैंने कहा ना जल्दी करो टोनी। जितना कहा उतना करो। उसने हम सबको फंसा दिया। बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने जा रही है तुम बहादुरों की। वे बाहर आ गया है ना टोनी, अब किसी को तो अपनी जान गंवानी। इसकी बात मत सुनना। इस वीडियो को देख के जूरी में बैठे लोगों को मजा आएगा, है ना? एलिजाबेथ के इकलौते लड़के को उसके करीबी दोस्त ने गोली मार दी। यस, मैं भी देखता हूँ इस बार तुम मुझ पे गोली चला पाती हो या नहीं, लेकिन इस बार हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वो तुम्हें भड़का रहा है दोस्त, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम यही रुको। बताओ क्या करूं मैं? तुम जानते हो पीट कोई गद्दार नहीं था। अच्छे से सोच कर देखो वो तुमसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। दोबारा दोहराने में मजबूर मत करो टोनी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। क्लिंट को उसे मारने के लिए कहा गया, उसने तुम्हें यूज किया। तो पुलिस ने उसे छोड़ कैसे दिया? क्या खबर लाए हो पीट? मेरे पास वो वीडियो है जिसमें आपका आदमी पैट्रिक चैनिंग एक जवान लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए दिख रहा है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप हो जाएंगे जब खुद आप देखेंगे। ये झूठ बोल रही है टोनी, तुम हिम्मत दिखाओ टोनी। हिम्मत दिखाओ कहा तो दिखा दिया। चलो चलो चलो, कवर करो। होल्ड ऑन, होल्ड योर फायर। ओपन द कार। पहले इस एरिया को सिक्योर करो, अपनी अपनी पोजीशन लो, और जब तक मैं ना कहूँ कोई एक्शन मत लेना। ये बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी कुछ करे जब तक कि मैं ना कहूँ। इस तरफ। रन रन रन। खेल लो। चलो चलो। कह देंगे ये सेल्फ डिफेंस था। तुम मारने का कोई एक्सक्यूज मत देना। वैसे वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग अभी भी अंदर हैं। मैं अकेला अंदर जाऊंगा, बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। हम छत के अपोजिट साइड पर पोजीशन लेने वाले हैं, हमारे पास मूविंग टारगेट होगा। ऑर्डर मिलते ही शूट करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा। वो लोग कहाँ गए? फायर एग्जिट की तरफ। तुम किसी डॉक्टर को बुला लो। इस जिंदगी से छुटकारा पाना ही तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। आपको ज्यादा पता होगा। उसके पास कुछ होना भी नहीं चाहिए। उससे बहुत प्यार करते हो ना? वो छत पर है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। तुम बस मेरी एक बात मान लो। मान लो कि ये प्रेग्नेंट औरत है, तुमने ही गोली चलाई थी, क्या है ना? स्टैंड बाय। पता है तुम्हें इस मामले में क्यों घसीटा गया? नहीं पता। तुम्हारी मॉम कैसी है? इसकी बात मत सुनो। थोड़ा बहुत मसल दिया था, लेकिन उसे हर्ट करने का इरादा नहीं था। ये किस बारे में बात कर रहा है?
वो बिल्कुल सही है, अपने काम में अपनी एज के हिसाब से। जाओ, सच कह रहा हूँ, पिछले हफ्ते की तो बात है, तुम्हारे बिस्तर पर सोकर आया हूँ, तुम्हारे बुजुर्ग पापा की तस्वीर के सामने, तुम्हारे ड्रॉअर में स्टेट भी देखा था। बहुत ज्यादा चिल्लाती है जब भी उसके साथ सोता हूँ, नॉइज़ी बिच। मुझे कुछ कहना है। वो तो मुझे भी पता है। छूट गया तो मैं चुप रहूंगी। Come on, baby. Come on. सब ठीक है? ओके ओके। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मारने के जुर्म में इसे जेल हो जाए। हम सभी ये चाहते हैं। वो सब वहीं पर हैं। और यही सब लड़कियाँ हैं? हाँ, ये कैंडी है, जॉय और ये चेरी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इस पर भरोसा किया। आराम से बताइए, आपके साथ सैली का क्या कनेक्शन था? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। बेहिचक कहिए। स्टोन ने लेंस के पास सैली को भेजने के लिए जबरदस्ती की। लड़कियों को हॉस्पिटल भेजने में उसका अलग ही रिकॉर्ड है, लेकिन मैं जानती थी वो क्या करने वाला था। हम उसके खिलाफ सबूत ढूंढने में लगे हुए। आज सुबह डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर एडवर्ड स्टोन को एक किशोर वेश्या के हत्या के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया है। एक सीनियर पुलिस स्टोन का कहना है कि उस नाइट क्लब के बाहर हाल में ही हुए गैंग की शूटिंग के संभावित कनेक्शन के बारे में उन्हें पता नहीं चल रहा था। कम्युनिटी में पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम अपना पूरा जोर लगा देंगे। ये सरकार तब तक आराम नहीं करेगी जब तक जिम्मेदार लोगों को गिरफ्त में नहीं लिया जाएगा। एक मिनट। मनी मैन, उसे छोड़ो यार। Quads, bikes and cars. Beats, weed and bars, defeat the weed, the streets are ours. Compete for chief, then lead the march. Boy, man, soldier, learn when young and use when older. Turn funds and carpet loader, whatever you get a hold of. Watch the fires burn out and the rain pour down. These streets were made for hurting. Now we're running out of this great out town. We're lost but not returning. We're dreaming of what is still unknown.